नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय चतुष्कोण के क्रॉस की सच्चाई। चतुष्कोण क्या, देखिए ये आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, इन दोनों के बीच जो ये गैप है, दोनों तरफ इस गैप को बोलते हैं क्वाड्रेंगल, ग्रेट क्वाड्रेंगल। यहीं से हमारी भाग्य रेखा होकर गुजरती है और इस क्वाड्रेंगल पर अक्सर भाग्य रेखा पर एक क्रॉस बन जाता है और बहुत अशुभ परिणाम देता है। कुछ प्लस पॉइंट भी हैं लेकिन माइनस पॉइंट बहुत ही घातक। देखिए आपकी भाग्य रेखा निकली कहीं से निकले, स्पष्ट, लंबी, गहरी, निर्दोष और पहुंच जाए शनि पर्वत तक। पहले क्रॉस करेगी आपकी ब्रेन लाइन हार्ट लाइन, तो आपकी एक भुजा बन गई क्वाड्रेंगल के अंदर। ऐसे में आपकी मस्तक रेखा से या आपकी हृदय रेखा से एक शाखा निकले और इस भाग्य रेखा पर डायगोनल एक कट लगा दे। अब ये शाखा भाग्य की मस्तक रेखा की है या हृदय रेखा की, ये अलग टॉपिक। परिणाम एक कि भाग्य रेखा कट गई। अगर भाग्य रेखा कट गई अच्छा नहीं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके शनि पर्वत के नीचे क्वाड्रेंगल के अंदर भाग्य रेखा के सहारे एक क्रॉस बन गया, तो कई मामलों में शुभ भी होता है। ऐसा जातक बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत भावुक, आंसू तो आंखों पर रखे रहते हैं, बहुत धार्मिक भी होता है, लेकिन उसकी धार्मिकता अंधविश्वास के दायरे में आ सकती है। हाँ, भगवान के किसी स्वरूप का, ईश्वर के किसी रूप का, देवी या देवता का उपासक होगा और इस जातक के ऊपर ना उस ईश्वर की, उस देवी देवता की असीम कृपा भी होगी। ऐसे में अगर हमारा ये गुरु बहुत अच्छा है, उबार लिए हुए, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, अगर यहाँ पर एक सोलोमन रिंग बन जाती है, अब बहुत प्रबल संभावना हो गई कि सोलोमन रिंग के साथ में क्रॉस जातक धर्म के क्षेत्र में और खासकर ऑकल्ट के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, एक्सपर्ट बन सकता है। कम से कम उसकी रुचि तो बहुत होगी। साथ में यदि आपकी भाग्य रेखा से एक बुध रेखा निकले, यहाँ ट्रायंगल बना दे, आपके पास तीन पॉइंट हो गए ऑकल्ट में सफल होने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में सफल होने के लिए। ऐसे में आपका चंद्र पर्वत भी वेल डेवलप्ड हो और अच्छा, अब तो जातक ऑकल्ट साइंस में, धर्म के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएगा, संपन्न भी बनेगा, सफलता भी पाएगा और मान सम्मान और यश भी। लेकिन यदि आपका ये क्वाड्रेंगल के अंदर बना हुआ क्रॉस, जहाँ
मस्तक रेखा की एक शाखा या आपकी हृदय रेखा की एक शाखा आपकी भाग्य रेखा को डायगनल काटे। अभी तक तो ठीक है, लेकिन यदि जो काटने वाली शाखा है वो मस्तक रेखा की शाखा ना हो, हृदय रेखा की शाखा ना हो, बल्कि ये एक राहु रेखा हो जो आक्रक मंगल से निकल रही है, काटा लाइफ लाइन, फिर आपकी ब्रेन लाइन, फिर आपकी फेट लाइन और जाके मिल गया हर्ट लाइन में, अब बहुत अशुभता। और राहु रेखा के द्वारा भाग्य रेखा को काटने से क्वाड्रेंगल के अंदर अगर क्रॉस बना, बहुत ही घातक, बहुत ही अशुभ, ये जातक को बर्बाद कर देगा। जहाँ कट लगा है लगभग 45 के बाद और लगभग 56 तक, जातक तबाह, बर्बाद, पक्का पक्का निश्चित। चाहे उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा कितनी क्यों ना हो, लेकिन जातक को ये दुर्दिन देखने ही पड़ेंगे। विफलता ही विफलता, असफलता ही असफलता, संघर्ष ही संघर्ष, दाने दाने को मोहताज, पैसे पैसे को मोहताज, जातक को कुछ दिखाई नहीं देता। सब चीजों से विश्वास उठ जाता है, इवन धार्मिकता से ही विश्वास उठ जाता है। अगर भाग्य रेखा पर राहु रेखा के काटने से क्वाड्रेंगल के अंदर क्रॉस बने, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास में धीरज होना ही चाहिए। अगर धीरज नहीं हुआ तो ये क्रॉस जातक को बर्बाद कर देगा, तहस नहस। तो धारक जातक के पास में धीरज हो, धीरज भी वो जो उसको हिम्मत देता रहे, उसको मोटिवेट करता रहे। कुछ ऐसे याद प्रसंग उसको याद आए जातक को जिसके क्वाड्रेंगल पर ये क्रॉस बना है, बार बार कुछ शब्द उसकी प्रेरणा का स्रोत बने। जैसे बंसल साहब की एक कविता है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो ऐसे कुछ शब्द, कुछ प्रसंग जो जातक को मोटिवेट करें, और किसी तरह जातक 45 से लेकर 56 का ये जो 11 साल का पीरियड है ये किसी तरह से निकाल दे। या हथेली भारी हो, हथेली वाला जातक संघर्ष करता रहता है, और पतली हथेली वाला जातक हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। अगर हथेली पतली है तो बहुत ही घातक, जातक के प्राणों को भी संकट हो सकता है। अगर हथेली भारी है तो ग्रह अच्छे हैं, जातक को बचा ले जाएंगे। जातक के पास में संघर्ष करने की क्षमता भी होगी, धीरज भी होगा। एक बार 56 क्रॉस हुआ, अब जातक को अपार सफलता मिलेगी। लेकिन किस क्षेत्र में? धर्म के क्षेत्र में, ऑकल्ट के क्षेत्र में, बहुत बड़ी सफलता, संपन्नता, मान सम्मान और यश, सब कुछ भरपूर मिलेगा। बस
45 से लेकर 56 के बीच का समय किसी तरह से निकल जाए, जातक के पास धीरज होना चाहिए। तो एजिस्ट सारांश के रूप में, यदि आपके क्वाड्रेंगल के अंदर भाग्य रेखा पर राव रेखा के काटने से एक क्रॉस बन जाए, तो यह बहुत ही घातक होता है। हथेली पर उभरने वाले जितने भी योग संयोग हैं, उनमें से सबसे घातक में से एक तबाह बर्बाद कर देता है। अगर जातक ने थोड़ा धीरज दिखाया, थोड़ी हिम्मत दिखाई, किस तरह से इस 11 साल को पार कर दिया, तो 56 के बाद उसकी किस्मत अवश्य चमकेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू, शुक्रिया।